हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़की से ये बातें सीख लोगे तो लड़की जल्दी सेट हो जाएगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों देखो, ये कहावत है ना कि लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो आपको लड़की से ये बातें ज़रूर सीखनी चाहिए, जिससे आपको उस लड़की को पटाने में या उन्हें इम्प्रेस करने में काफ़ी हेल्प मिले। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर, और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात जो आपको लड़की से ज़रूर सीखनी चाहिए वो है पेशेंस रखना, यानी कि खुद पर कंट्रोल रखना। जी हाँ दोस्तों, देखो ये चीज़ लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। लाइक कहते हैं कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, इमोशनल होती हैं, बट सच तो ये है उनके अंदर पेशेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। वो धीरज जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, भावुक होने के साथ साथ वो उनके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक लड़की रिलेशनशिप में है तो अगर वो अपने पार्टनर से बात ना करे तो उसका दिन कट जाएगा। ठीक है, वो किसी तरह से अपना दिन काट लेगी, अपने पेशेंस पे काबू कर लेगी, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेगी। बट यही चीज़ लड़की की तरफ से देखी जाए तो उनको कंट्रोल कर पाना, उनको अपनी फीलिंग्स पे काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके दिमाग में क्या आवाज़ चलेगी कि बात नहीं हुई है, क्यों फ़ोन नहीं कर रहा, मैसेज क्यों नहीं कर रही है, इस तरीके की बातें चलेंगी। तो इसीलिए आपको लड़की से ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए, पेशेंस रखना, लाइक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। क्योंकि आजकल के टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आप किसी लड़की को अपनी फीलिंग्स बताते हो या उन्हें अपनी फीलिंग्स बताते हो कि आपने पसंद करने लगे हो, लाइक करने लगे हो, तो इससे ये होता है कि वो लड़की उतना ज़्यादा आपको भाव नहीं देती है, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लड़की से ज़रूर सीखनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको लड़की से सीखनी चाहिए वह है कॉन्फिडेंट रहना, खुद से प्यार करना। जी हाँ दोस्तों, देखो ये एक ऐसी बात है कि आपने देखा होगा लड़की चाहे बेशक इतनी ज़्यादा सुंदर ना हो, एक एवरेज गर्ल हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इतराना, उसका नखरे दिखाना हमेशा बरकरार रहता है। वो कभी भी अपने आप को कम नहीं समझती हैं। ठीक है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बेशक उसके आगे कोई होर की परी क्यों ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस लड़की से अपने आप को कंपेयर करती है कि वो उससे ज़्यादा बेटर है। तो ठीक यही चीज़ आपको किसी लड़की से ज़रूर सीखनी चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना, खुद से प्यार करना, जिससे आपको किसी लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचने में या उन्हें इम्प्रेस करने में काफ़ी हेल्प मिले। क्योंकि आजकल के टाइम में क्या होता है कि ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि लड़की को अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं तो वो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं। ठीक है, उनके मन में ये डर रहता है कि लड़की उन्हें पसंद करेगी नहीं करेगी, ये चीज़ होती है जिससे उनका कॉन्फिडेंट लेवल काफ़ी लूज़ होने लगता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। अगली बात जो है आपको लड़की से ज़रूर सीखनी चाहिए वह उतनी ही वैल्यू दो जितना कि डिज़र्व करता हो। जी हाँ दोस्तों, देखो आजकल के टाइम में क्या देखा जाता है कि मोस्टली लड़के अगर उनकी कोई क्रश होती है या वो किसी को पसंद करते हैं तो वो उसे ज़रूर से ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट करने लगते हैं। ठीक है, उसकी इज्जत करना स्टार्ट करने लगते हैं। और एक चीज़ एक हद तक लड़की को ये अच्छा भी लगता है, बट अगर बात करें रिलेशनशिप की तो ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसे लड़कों से दूर रहना पसंद करती हैं जो एक तरह से उनको बिल्कुल भी पर्सनल नहीं देते हैं या फिर उनकी लाइफ में ज़्यादा ही इंटरफेयर करते हैं। तो इसीलिए आपको लड़की से ये बात ज़रूर सीखनी चाहिए। अगली बात है कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना, खुद की इज्जत करना, खुद से प्यार करना। जी हाँ दोस्तों, ये बात लड़कियों के अंदर हमेशा रहती है कि वो अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। ठीक है, उनके सामने चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है, कोई भी बंदा क्यों ना हो, वो उसको छोड़कर वो सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, तो और लड़कों की तरफ से क्या देखा जाता है, लड़के ये करते हैं कि वो अपने आप को इतनी वैल्यू बेशक दे या ना दे, बट अगर उनके सामने उनकी क्रश है या वो अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं तो वो उसको इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, ठीक है, उनकी इज्जत कम हो रही है। ये चीज़ मोस्टली लड़के नहीं सोचते हैं, और यही चीज़ आपको लड़की से ज़रूर सीखनी चाहिए जिससे आप उस लड़की का ध्यान आसानी से अपनी तरफ खींच पाओ। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।